रोहित शर्मा की यह जिद कर देगी तीसरे टेस्ट में, टीम इंडिया का काम तमाम। कप्तान रोहित को बदलना होगा अपना ये एक फैसला, तभी मिलेगी टीम इंडिया को जीत। तीसरे टेस्ट के पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक कराई टीम इंडिया के ब्रह्मास्त्र की एंट्री। टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम टेस्ट में इंग्लैंड को 106 रनों से हराते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। पहले मैच में हारने के बाद इस अंदाज में वापसी ने टीम इंडिया के हौसलों को मजबूत किया है। अब करीब 8 दिनों के बाद राजकोट में तीसरे टेस्ट में इसी बढ़े हुए हौसलों के साथ रोहित शर्मा की टीम मैदान पर उतरेगी। टीम से इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी ताकि वो सीरीज में बढ़त ले सके। ऐसा होने के लिए खिलाड़ियों का मैदान पर दमदार प्रदर्शन करना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कप्तान रोहित शर्मा का वो फैसला होगा जिसे उन्हें तीसरे टेस्ट में बदलना होगा। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया को 28 रनों से हार मिली थी, जबकि दूसरे टेस्ट में उसने जीत दर्ज की। इन दोनों ही मैचों में टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरह कमाल नहीं दिखा सके। दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने कमाल दिखाया, लेकिन यहाँ पर फोकस बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी पर है। इन दोनों ही मैच में टीम इंडिया के सबसे असरदार गेंदबाज स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह नजर आए, जो सबसे ज्यादा 9 विकेट हासिल कर चुके हैं। वैसे तो हमेशा की तरह सीरीज में भी स्पिनरों का ही दबदबा होने की उम्मीद थी, लेकिन पहले दो टेस्ट मैचों में ये पूरी तरह से नहीं हो सका। रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल खास तौर पर अपने जादू में अभी तक इंग्लिश बल्लेबाजों को नहीं फंसा सके हैं, लेकिन उनसे आगे भी उम्मीद रहेगी और ये संभव है कि वो एक कमाल कर लेंगे। असली समस्या तो है जसप्रीत बुमराह के पार्टनर तेज गेंदबाज की, जो टीम इंडिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट में बुमराह के साथ दूसरे पेसर के रूप में मोहम्मद सिराज को उतारा था। सिराज ने उस टेस्ट की दोनों पारियों में मिलकर सिर्फ 11 ओवर गेंदबाजी की और 50 रन खर्चे, उन्हें कोई विकेट तो नहीं मिला। इस नाकामी के बावजूद टीम इंडिया ने अगले टेस्ट में भी दूसरे पेसर को मौका दिया और उनकी जगह मुकेश कुमार को शामिल किया गया। मुकेश कुमार की भी कहानी सिराज से अलग नहीं रही, वो दोनों ही पारियों में 12 ओवर में कुल 70 रन लुटा बैठे और विकेट मिला सिर्फ एक। ये तब हुआ जबकि इंग्लैंड ने दोनों टेस्ट में सिर्फ एक एक पेसर का ही इस्तेमाल किया। पहले टेस्ट में भी टीम इंडिया का दो पेसरों के साथ उतरना समझ में आता है, क्योंकि उसे अपने तीनों स्पिनरों पर ज्यादा भरोसा था और सिराज भी कोई मामूली गेंदबाज नहीं है। लेकिन उनकी नाकामी के बावजूद अगले टेस्ट में भी दूसरे पेसर के साथ उतरने का फैसला थोड़ा चौंकाने वाला रहा। इन दो मैचों के बाद अब यही उम्मीद है कि राजकोट में कप्तान ये गलती ना करें। वैसे तो तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में संकेत लें तो टीम इंडिया के पास दूसरे पेसर की जगह भरने के लिए कुछ बेहतर विकल्प हैं। टीम इंडिया राजकोट में 4 स्पिनरों के साथ उतर सकती है, जिसमें अश्विन, अक्षर और कुलदीप यादव का साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर या सौरभ कुमार को उतारा जा सकता है। खास बात यह है कि दोनों ही बल्लेबाजी में भी अच्छा योगदान दे सकते हैं। अगर ये नहीं करना तो टीम इंडिया एक अतिरिक्त बल्लेबाज को शामिल कर सकती है, जिसमें सरफराज खान या ध्रुव जुरेल को मौका दिया जा सकता है। इससे टीम इंडिया के नाकाम साबित हो रहे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी और गहराई आ सकती है और अतिरिक्त रनों की संभावना बढ़ सकती है। कुल मिलाकर विकल्प कोई भी चुने जाए, बस विशाखापट्टनम वाली गलती टीम इंडिया दोबारा ना करे। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।